हेलो नमस्कार किसान भाइयों, आज आप फिर से देख रहे हैं जमुई मंगला हाट से एक नया वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं बिहार फार्मिंग किंग यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। सब गाय आप ही का? तो जो ये स्क्रीन पर गाय देख रहे हैं वो इन्हीं का है। ये एक व्यापारी हैं जो कि हर मंगलवार को आते हैं और अपना गाय को यहीं पर सेल करते हैं। तो देख सकते हैं आज इनके पास चार गाय है और हम चलिए इनके गायों का कुछ अपडेट लेते हैं। तो चलिए, इनका एक HF गाय है जो कि देख सकते हैं बहुत ही शानदार HF है। और ये जो HF है इसका डिटेल्स हमने लिया है इस वीडियो में, आप आगे देख सकते हैं। इसका डिटेल्स कुछ इस प्रकार से है, ये देख सकते हैं गाय बहुत ही शानदार है, चाल में भी बहुत ज़बरदस्त गाय है। देख सकते हैं डिटेल्स दीजिए ना, इसका डिटेल्स बताइए। बच्चा बाछी है। डिमांड इस गाय को डिमांड 75 है जो है कुछ ही समय बाद दूसरे व्यापारी के द्वारा खरीद लिया गया, जो कि देख सकते हैं वो अब इस गाय का मिल्क चेक करेंगे। जो हमें बताया गया था कि यह गाय का डिमांड 75,000 है और फीमेल का उसके साथ है और 6 दांत में गाय है, लेकिन जब यह गाय बिकी तो हमें पता चला कि यह गाय 62 की बिकी है। देख सकते हैं सेल्समैन को गाय में बच्चा लगाते हुए। देख सकते हैं गाय जब भी बहुत ही अच्छी गाय आती है मंडी में तो उसके पीछे बहुत सारे ग्राहक लग जाते हैं। देख सकते हैं मंडियों में अच्छी गाय बहुत कम ही आती है। यह गाय जो है बहुत ही कम्पैक्ट अडर वाली गाय थी, इसीलिए इसके पीछे बहुत सारे ग्राहक लगे और उचित दाम पे इस गाय को खरीद लिया गया। अब इसका थन को देखा जाएगा कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो भी व्यापारी आते हैं या फिर कोई भी डेयरी फार्मर आते हैं वो मिल्क के लिए ही गाय को खरीदते हैं। अभी हमारे यहाँ पे ब्रीडिंग पर्पज़ से बहुत कम लोग ही गाय को खरीद रहे हैं या फिर उस तरह की डिमांड कर रहे हैं। देख सकते हैं गाय बहुत ही शानदार है, बच्चा फीमेल काफ में है। मिल्क को चेक किया जा रहा है, थन की स्थिति को भी देखा जा रहा है कि किस तरह का दूध है, छर्रा तो कहीं नहीं आ रहा है। यही सब बहुत सारी बारीकियां होती है जो कि एक खरीदार के द्वारा देखा जाता है। भेजा नहीं करेगी भैया, अपलोडे कर रही है बहुत लोग देखा बाजार के डैमेज सब चल रहा है यहाँ। अब वहाँ बजरो ऐसे खाना नहीं करना फाइनल है, लेकिन पता चलिए Thank you.
एकर कते मांग रहा हो किसाने का की एकर कितना मांग रहा है 1 लाख 2 हजार दूध कते है ग्राम 36 लीटर अब बचवा एकर की मांग एकर कितना मांग रख ले 58 ना अब बचवा कर किया ओकर की डिमांड है ओकर ओकर बचलो अच्छा क्या दांत बतेलो अरे धान अब निकल ले क्या दांत बतेलो ओकर हो ना ना भी मेरा बच्चा रहता कहीं अभी तो सुना पता नहीं कुछ अच्छा स्थिर होते चिंता तो नहीं कब हमेरे घर पाल लिया दो तीन जगह परिवर्तित हो जाए की गाड़ी से ना फलना से ना हमरा कहना है कोई मांग लिया कोई तो जिन नहीं है तो ना वाला के धान को धान में हम क्वालिटी एक बात बोलने स्क्रीन पे जो ये भैंस को आप देख रहे हैं दोस्तों, यह भैंस के बारे में हमने जब डिटेल्स पता किया तो मुझे पता चला कि यह भैंस का डिमांड व्यापारी के द्वारा 90 हज़ार किया जा रहा था और
दांत में मिली हुई भैंस थी और तीसरे लैक्टेशन में होगी लगभग ये भैंस, और फीमेल काफ के साथ थी। देख सकते हैं पीछे से भी दिखा देते हैं आप लोग को, यह भैंस आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने की होगी। व्यापारी के द्वारा 90,000 तो डिमांड किया गया था, लेकिन आप जब भी जाइएगा मंडी में तो अपने हिसाब से ही पशु को खरीदेंगे, क्योंकि व्यापारी तो कुछ भी बोल देंगे, कितना भी बता देंगे। देख सकते हैं पीछे से भी भैंस को, जय श्री राम।